हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल मुकुल चोपड़ा। मैं आज आपको गीजर की कनेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ गीजर कनेक्शन के बारे में। यस सर। तो इसमें मैंने आपको ये दिखाया, ये इंडिकेटर है, ये रेड इंडिकेटर है, ये ग्रीन है, ग्रीन की जगह मैंने ब्लू दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये एलिमेंट है, ये इसका कटआउट है, ये आपकी थर्मोस्टेट है। यस सर। तो इसकी मैं पहले आपको कनेक्शन बताऊंगा कि कनेक्शन इसके कैसे होते हैं, ठीक है। राइट सर। तो आपको मैंने आपको ये एलिमेंट का भी बताया है और आपको थर्मोस्टेट का भी बताया है। तो आज मैं इसका एक कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कैसे। तो पहले मैं ज़रा यहाँ पे डायग्राम में आपको कनेक्शन बता देता हूँ, ठीक है जी। यस सर। तो कनेक्शन आपके जो है, इसके जो एक तरफ से इसकी जो थर्मो आपका जो एलिमेंट है, उसको हम दे देंगे न्यूट्रल। ये आपकी न्यूट्रल आ गई, यस सर। ठीक है जी। और आपका जो इधर से फिर आपका फेज स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से हम फेज दे देंगे इधर, इधर से इधर इसके कटआउट में आ जाएगा, कटआउट से फिर आपका एलिमेंट में आ जाएगा, ठीक है। सीरीज कनेक्शन होता है सर इसमें? हाँ जी हाँ, सीरीज कनेक्शन इस करके होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी आपको। पहले मैं ज़रा ये कनेक्शन कर लूँ, इसको मेन बोलते हैं, ठीक है, मेन या अच्छा फेज बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आपके, अब आपने ये पूछा है कि ये एक एलिमेंट है, एक कटआउट है, एक थर्मोस्टेट है। ये हम 60 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे रखते हैं। अगर ये किसी वजह से शॉर्ट हो जाए तो एलिमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये कटआउट लगाते हैं। इससे क्या होता है कि ये ट्रिप हो जाता है, यस ठीक है। सर। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसमें बटन है रेड, ये देख लीजिए, इसमें बटन है, ये वाला रेड। अगर ये एलिमेंट ज़्यादा गर्म हो जाए, एम्पेयर ज़्यादा लेने लग जाए ये, तो इससे एम्पेयर ज़्यादा लेगा कि अगर ये जब इसको कटआउट नहीं करेगी। जैसे इसका टेम्परेचर मैक्सिमम जो होता है आपका 60-80 टेम्परेचर तक होता है, और ये कटआउट ना करे तो फिर एम्पेयर ज़्यादा रहेगा, तो ये ट्रिप हो जाएगा एलिमेंट को साड़ने से बचाने के लिए, यस सर। ठीक यस है। इस करके ये लगाया जाता है कटआउट। तो ये कटआउट हो गया आपका। तो अब उसके बाद इसके मैंने दो इंडिकेटर लगाए हैं। तो इंडिकेटर में इसके दो इंडिकेटर में एक क्या है, इसका जो इंडिकेटर का कैसे काम करेंगे, जैसे हम ऑन करेंगे लाइट को तो ये ग्रीन इंडिकेटर जलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही ये कटआउट हो जाएगा, यानी कि ये बुझ जाएगा, तो फिर ये क्या होगा कि आपका रेड जलेगा, यस सर। ठीक है। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको इसके कनेक्शन बता रहा हूँ। तो ये एक जो है ग्रीन के जो है जो कनेक्शन है, एक तो आपका ये आ गया आपका न्यूट्रल पे आ गया, एक आप यहाँ पे फेस पे दे देंगे जो इधर से आ रहा है इसको कटआउट के द्वारा, ठीक है। ये ग्रीन पहले ऑन हो जाएगा आपका। तो आप जब इसको इसको ये जलाएंगे, ये वाला रेड वाला, रेड यस वाला सर। कैसे जलेगा, ये यहाँ पे एक सब दे दिया और एक आपका यहाँ दे दिया ये वाला। तो यस अब सर। ये फंक्शन कैसे काम कर रहेगा कि जैसे ही अब ये इसमें सप्लाई आ रही है, ये यहाँ से चल रहा है, इस टाइम क्या है सिर्फ ग्रीन जल रहा है, यस सर। ठीक है। क्योंकि ये लाइन पूरी है, लाइन पूरी कैसे है कि फेज यहाँ से गया, यहाँ से फेज गया, यहाँ से यहाँ फेज आ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से फेज यहाँ तक पहुँच रहा है। तो अभी क्या है कि आपको ये इसको ब्लैक न्यूट्रल दे दिया और यहाँ पे फेज आ रहा है, तो ये रेड ग्रीन जलता रहेगा जब ये गर्म हो रहा है। यस सर। जैसे ही कट करेगा, यानी कि थर्मोस्टेट कट कराएगी, तो फिर क्या होगा कि रेड जल जाएगा। रेड कैसे जल रहा है, यहाँ से आपके फेज गया, फेज होता है इसको यहाँ पहुँच गया, यहाँ से अब फेज तो यहाँ से रुक गया यहाँ पे, क्योंकि फेज तो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ यस पे क्या सर। होता है कि न्यूट्रल जो है इस एलिमेंट के द्वारा न्यूट्रल यहाँ पे पहुँचता है, इसके द्वारा यहाँ पे, यस सर। तब ये इंडिकेटर जल जाता है और ये बुझ जाता है। ये बुझता है इस करके है कि ये जैसे ही कट करता है तो ये आपका इंडिकेटर को सप्लाई बंद हो जाती है, तो ग्रीन बुझ जाता है और रेड जल जाता है, राइट सर। ठीक है जी। तो अब आपको कोई सवाल पूछना है तो इतना डायग्राम में तो आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर कटआउट लगाना जरूरी है? कटआउट क्या है कि कटआउट इस करके कुछ लोग हटा देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि किसी को पता भी नहीं होता कस्टमर को, तो निकाल देते हैं। इसमें ये प्रेस बटन होता है, ये वाला मैंने दिखाया भी आपको, ये वाला ये प्रेस बटन होता है। यस ये सर। इस करके होता है कि भी अगर ये थर्मोस्टेट शॉर्ट हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या होता है कि एलिमेंट को बचाने के लिए लगाया जाता है। और कुछ हद तक ये भी होता है, ये जो कटआउट जो होता है ये इस करके भी लगाया जाता है कि भाई अगर एलिमेंट ये अर्थ हो जाए तब भी ये काम, ये क्या होता है कि इस पर लोड पड़ता है, एम्पेयर ज़्यादा लेगा, तो ये ट्रिप हो जाता है ये वाला। यस सर। अगर ये इसमें ये जो आपका जो एलिमेंट है, ये जो आपका अगर अर्थ हो जाए
यहाँ अंदर से शॉर्ट हो जाए तो ये ज़्यादा पे लेगा तो ये कट आउट हो जाएगा, ताकि आपको पीछे की लाइट कट जाती है। दो बेनिफिट के लिए है ये, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ एलिमेंट है, एक अगर एलिमेंट अर्थ हो जाए तो इस पर जोर पड़ेगा, अंपेयर ज़्यादा लेगा, अंपेयर ज़्यादा लेगा तो ट्रिप हो जाएगा, जैसे एमसीवी ट्रिप हो जाता है। एमसीवी की तरह ये काम करता है, ठीक है जी। तो ये अब आपका ही वायरिंग होगी। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली आपको मैं बता दूंगा। यस सर। तो ये पहले मैं एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एलिमेंट पे पहले मैं इसको न्यूट्रल दे रहा हूँ मैं इसको, ये तो न्यूट्रल के साथ मैं इसका इंडिकेटर भी साथ में आपको बता देता हूँ कि इंडिकेटर कहाँ लग रहा है। तो ये न्यूट्रल में ये आपका ये यहाँ पे ही इंडिकेटर लगाया हुआ ना यहाँ पे, तो ये ब्लू कलर का है, तो आपका ये यहाँ पे इसको मैं साथ ही लगा रहा हूँ इसके न्यूट्रल एक कोने में। तो एलिमेंट के दाएं बाएं में देना है ना इंडिकेटर के कनेक्शन, तो ये आपके कनेक्शन इसके लगा रहा हूँ। तो ये आपका कनेक्शन यहाँ पे जुड़ गया इसका, तो इस कोने में आप ये चाहे ट्रायंगल हो चाहे कप टाइप हो चाहे कोई भी एलिमेंट हो, कनेक्शन इसके ऐसे ही होंगे, ठीक है जी। इंडिकेटर के, इंडिकेटर से ही लोग इसको पता चलता है कि भी वो गीज़र गर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ये यहाँ से यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से आगे तार भी जाएगी, तो यहाँ पे दोनों को इकट्ठा कर देते हैं यहाँ पे इन दोनों को। ये आपका, तो मैं आपको इस करके वीडियो ये अलग अलग खोल के दिखा रहा हूँ, गीज़र भी नहीं दिखा रहा है, ताकि आपको समझ आ जाए वायरिंग कैसे होती है। जब आपको यहाँ समझ आ जाएगी तो आप वहाँ पे प्रैक्टिकली भी ऐसे कर लेंगे, तो कनेक्शन आपको समझ आना चाहिए भी कैसे हो रहे हैं। तो ये कनेक्शन तो वैसे ही हैं, पर उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा क्लियर नहीं समझ आता है कि जो न्यू कमर है उनको पहली बार जो देख रहे हैं उनको ये समझ आएंगे कनेक्शन कैसे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को न्यू कमर को YouTube के माध्यम से आपको समझाया जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये यहाँ पे अब फेज़ आ गया, यहाँ पे इधर से इसको इधर यहाँ पे आ गया फेज़ भी हम देंगे यहाँ से, पर हमने मैंने ये लगाया ये, तो ये इसके बाद ये कटआउट आ गया, कटआउट के कोने में मैं ये लगा दूंगा आपका ये, तो कटआउट के कोने में ये लग गया आपका। तो ये कटआउट के इस एक सिरे में ये लग गया, तो ये कटआउट जो है कोई लोग लगाते हैं गीज़र में, कोई गीज़र में नहीं लगाते, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में गीज़र में लगा होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें अब ये वाली सब वायर जो है यहाँ पे आ गई, अभी इसको फेज देना है, हमने फेज दिया नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। तो ये आपका कटआउट हो गया, तो अब ये अब ऐसे इसके बाद अब ये आपका हो गया थर्मोशेट। तो थर्मोशेट के इस कोने में आपके ये मैं अभी मैं दोनों के इसमें यहाँ पे वो भी लगा देता हूँ एलईडी इंडिकेटर जो लगे हुए हैं रेड कलर का। तो इसमें क्या है कि कनेक्शन क्या है इसके, एक दाएं एक बाएं हैं, तो इसको पहले मैं लगा ही देता हूँ साथ साथ ही। ये ऑन पेपर अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा, प्रैक्टिकली वैसे ही होता है जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कागज़ में समझाने के लिए। तो ये आपका यहाँ पे इसके कनेक्शन एक साइड में आ गया, अब दूसरे साइड में भी हम ऐसे लगाएंगे इसको। वैसे मैंने गीज़र का डाला हुआ है वीडियो, उसमें डिटेल है, पर उसमें कनेक्शन के बारे में नहीं बताया गया, तो मैंने इस करके कनेक्शन का अलग से वीडियो डाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, कि आपको किसी तरह से कैसे भी समझ आए। तो आजकल की सर्दियाँ हैं तो आपको ये बात ज़्यादा एलिमेंट का ये भी मैंने वीडियो डाल दिया और थर्मोशेट का भी डाल दिया है, तो अब मैंने कनेक्शन का था ये मेरे को ये भी मैंने डाल दिया है, तो आप लोगों को समझ आने की बात है। तो ये अब आपका ये अब यहाँ से ये पूरी वायरिंग पूरी हो गई है, देख लो आप, ये देख लीजिए यहाँ से न्यूट्रल चला, यहाँ पे न्यूट्रल रुक गया है, इसका एक थर्म साइड में आ गया, और इधर से आपका फेज़ ये फेज़ है, इसके द्वारा यहाँ पे फेज़ यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। यस सर। तो सीरीज में कनेक्शन है इसके, कटआउट बीच में लगता है, तो प्रोटेक्ट आपको बचाने के लिए, ताकि आपका ये थर्मोशेट अगर में डिफेक्ट आ जाए या एलिमेंट में कोई डिफेक्ट आ जाए तो ये ट्रिप हो जाता है। अगर ये इसमें एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा
यहाँ अर्थ हो जाएगा, तो जैसे आप दोबारा इसको दबाएंगे दोबारा ही ट्रिप हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका एक ये बेनिफिट भी है कि भी है थर्म से, ये अगर किसी कोई भी कारण से कि अगर ये एलिमेंट ख़राब हो जाए, अर्थ हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो ये क्या होगा, ये बार बार ट्रिप होना शुरू हो जाएगा जैसे इसको ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है जी। तो अभी इसको मैं प्रैक्टिकली चला के दिखा देता हूँ कि भी मैं थोड़ी देर के लिए चला सकता हूँ क्योंकि ये मैंने ओपनली रखा हुआ है। ठीक है जी। ये मैंने न्यूट्रल दे दिया एक साइड में, ये पीली तार है, ये इसकी रेड होगी, ये इसकी फेज होगी। तो अब इसको हम, मैं आपको कुछ सेकंड के लिए आपको चला के दिखा सकता हूँ कि कैसे चल रहा है, क्योंकि एलिमेंट है इसमें, चलाओ ज़रा। तो अब इसमें ये जो है देखो, ये नीला जल रहा है, ऑन करो एक सेकंड के लिए, ये देखो नीला जल रहा है। ठीक है। तो उसके बाद ये यहाँ पे ये नीला है, इसकी जो रोशनी बहुत कम है, ये बहुत कम आ रहा है क्योंकि ये, उसके बाद ये फिर आपको रेड जलेगा जब ये कट आउट होगा। तो इसको मैं कट आउट करूँगा तो ये देखो अब रेड जल गया। Yes, ये देखो, ठीक है, ये रेड जल गया। अब पहले जो था, जब इसको सप्लाई ऑन मैं करूँगा इसको, तो ये आपका ये देखो, कभी ये कभी ये देखो। ठीक है जी। Yes, sir. तो ये आपका जो है मैंने आपको दिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये गीजर के कनेक्शन समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।